ओके सो थोड़ी देर में ये पूरा सामान जो बिखरा हुआ है सब एक चुटकी में ठीक हो जाएंगे। तो 1 2 एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो घटनाएं आप आके देखने वाली हो ये 1.5 महीने पहले ही हो चुकी हैं। सो ऑलवेज सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। प्लस समय का ध्यान रखते हुए अभी बच रहे दोपहर के 2। एक्चुअली मैं अभी जा रहा हूँ प्रयागराज, जी हाँ अलाहाबाद। अब क्यों जा रहा हूँ आप लोग कुछ लोग समझ गए होंगे, अब कुछ लोग नहीं समझे तो मैं फिर बता देता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ कुंभ, एक दिन के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। तत्काल में टिकट्स भी नहीं बनी इसीलिए गाड़ी बुक करके जा रहे हैं। सो थोड़ी देर में गाड़ी आती होगी तो हाँ। 2 hours later तो 2 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार गाड़ी आ गई। सो अभी हम NTPC के पेट्रोल पंप में रुके हैं, गाड़ी को टॉप अप कराना था। तो हम बातों ही बातों में एक चीज़ पर आप लोगों को बताना ही भूल गए, आखिर कौन कौन जा रहा है कुंभ। मैं जा रहा हूँ, मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं और 2 और फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, मेरे नाना जी और एक और दीदी हैं वो, और एक पापा के दोस्त हैं वो। सो ब्रेक टाइम। फिलहाल अभी हम लोग नवा ढक्की के पास में एक रेस्टोरेंट है, आई मीन टू से ढाबा है, वहाँ रुके हुए हैं। नाम क्या है, नाम अंशु होटल करके नाम है। मैं तो पनीर खाने वाला था लेकिन पनीर तो है नहीं, तो चना रोस्ट और कुछ रोटियाँ और बस। फिर अब निकल रहे हैं। वो दिक्कत ये हुआ है कि हम लोग ले लिए कलर फ्रूट, जिससे हम लोग को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ गया, इसी कारण लेट हो गया। और हाँ समय अभी हो रहा है रात के 10:15। एक्चुअली अभी हम लोग को ये जगह 8 बजे के आसपास क्रॉस कर लेना था, जो कि हम लोग अभी क्रॉस किए हैं, क्रॉस नहीं किए हैं बल्कि अभी यहाँ इस जगह में हम लोग पहुँचे हैं 10:15 में। बहुत दिक्कत हो रही है। अब यहाँ से 3 घंटे बाद जो मैंने नज़ारा देखा यार, मेरे मुँह से बस वो सही में यार क्या वाइब्स आ रही है कसम से। मतलब थोड़ा कोहरा है अभी, धूप अभी निकला नहीं है क्योंकि तो, लेकिन सही में ठंड बहुत है। 14 डिग्री सेल्सियस लग रहा है अभी, मैं चेक नहीं किया हूँ लेकिन ठंड वैसे ही है, 14 या फिर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही ठंड है अभी यहाँ पे। और अब थोड़ी देर में अब पाप को धोने का भी टाइम आ जाएगा। ठंड बहुत है, डर भी बहुत है कि इतना ठंडे पानी में घुसूंगा कैसे, क्योंकि यहाँ के नल का पानी को मैं छुआ तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, जितना टेम्परेचर है अभी उससे कई गुना ज़्यादा ठंडा अभी यहाँ का पानी है। और अब पाप धोने का टाइम आ गया। तो भैया सीधी बात, 2 बकवास। पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, उसके ऊपर मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा है, जिस हिसाब से ठंडा है हवा और तेज बढ़ गई है और मजा आ गया। साल भर के पाप तो दूर हो गए, अब और पाप करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हैं लेकिन मजा आ रहा है, हैशटैग यादगार रहेगा। And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty. A few moments later. एक चीज गलती हो गई है। एक्चुअली मैं अपना पैंट भूल गया, मतलब मैं जीन्स भूल गया हूँ
और मैं आ गया अपने शॉर्ट्स पे। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं शॉर्ट्स पहन के जाने वाला था डुबकी लगाने के लिए, लेकिन मैं लगा लिया फुल पैंट अपना जीन्स पहन के। तो अब मेरे को पूरा सफ़र कोरबा तक जाते तक मैं कभी शॉर्ट्स पहन के ही जाना पड़ेंगे जब तक मेरा वो सूख नहीं जाता जीन्स। कॉफ़ी डे में यहाँ पे कहीं पे देखा था हम कुछ कॉफ़ी पिए ना सुबह, मैंने एक कप भी कॉफ़ी नहीं पी है। किस्मत ही खराब है, लाइट गोल हो गई है, कॉफ़ी भी नसीब नहीं है। ऐसा बैटरी में सिर्फ एक ही डंडी बाकी है, तो अगर बीच में अगर वीडियो बंद हो जाएगा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। बस चलो अब कॉफ़ी तो मिलने से रहा, कुछ खरीद ही लेते हैं। वेल मेरे को अभी पापड़ी चाहिए और पेठे तो है मेरे पास, पापड़ी ले ले रहा हूँ और एक रोलिंग कोम ले ले रहा हूँ। अभी बीच में कहीं पर देखा था मैंने। हैशटैग कॉफ़ी भी मिल गई, कॉफ़ी का भी मिशन कम्प्लीट हो गया। पापड़ी चाहिए, पापड़ी अभी तक मेरे को मिला नहीं है जो मंदिर से मैं बात किया था सस्ते में। और जो दिखते हैं नए नए कुछ कुछ चीज़ से दिख रही हैं, सबका बीरोल ले रहा हूँ। हार्ड कॉफ़ी पीने का जो आनंद है ना भाई, वो किसी चीज़ में नहीं है। और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, थैंक यू भैया। हैशटैग पापड़ी मिशन कंप्लीटेड, अब डायरेक्ट बनारस। अब इसके बाद मेरे कैमरा की बैटरी ड्रेन हो गई थी तो मैं उसे चार्जिंग में लगा दिया था, और हम लोग वहीं जगह पे 3 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे हुए थे। ट्रैफिक से ले दे के निकलने के बाद हमारे गाड़ी का टायर हो गया था पंचर। व्हाट अ किस्मत। फिर मम्मी ने कहा कि रास्ते में मिर्ज़ापुर में एक मंदिर पड़ता है, वहाँ के दर्शन करते हुए चलते हैं। तो मॉर्निंग फ्रॉम मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर जी हाँ, मिर्ज़ापुर गाली दिया। इसके बाद टायर बनारस। आते साथ 2 घंटे में ट्रैफिक में फंसे। दस जगह पार्किंग चेक किए, तब जाके एक जगह पार्किंग मिली है, और अब खाना वाना खा लिए। अब डायरेक्ट जा रहे हैं दर्शन के लिए। दर्शन के बाद मैंने बनारस की गलियों की एक पान खाई, जिसे खा के आनंद आ गया। और वेल लाइट की कमी थी इसीलिए इस खम्भे का सहारा लेके यहाँ पे
ब्लॉगिंग करना पड़ा। ब्लॉगर लाइफ।